राज्य सरकार द्वारा अनलॉक की दिशा में बढ़ाए गए कदम में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट और रिक्त ऑक्सीजन युक्त बेड संख्या को मानक रखा गया। इसी आधार पर नागपुर शहर और जिले में अनलॉक के निर्देश जारी किए गए। निर्देशों के अनुसार 10 दिनों तक भले ही केवल 5 बजे तक ही दुकानों को शुरू रखने की अनुमति दी गई हो, लेकिन 10 दिनों में कोरोना के मामले लगातार घटते देखे जाने के बाद अब मनपा और जिला प्रशासन ने गतिविधियों को अधिक सामान्य करने की दिशा में निर्णय लिया है। इसके अनुसार 21 जून से अब अत्यावश्यक और गैर अत्यावश्यक वस्तुओं की दुकानें रात 8 बजे तक खुली रहेगी। बताया जाता है कि पालक मंत्री नितिन राउत ने निर्देश के अनुसार शुक्रवार को शहर और जिले में कोरोना की स्थिति पर समीक्षा की गई, जिसके बाद मनपा आयुक्त राधाकृष्ण बी और जिलाधिकारी रविंद्र ठाकरे ने राहत देने के आदेश जारी किए गए। शुक्रवार को जारी किए गए आदेशों के अनुसार मॉल्स मल्टीप्लेक्स को भी रात 8 बजे तक की राहत प्रदान की गई। यहां तक कि पहली बार अम्यूजमेंट पार्क को भी रात 8 बजे तक शुरू रखा जा सकेगा, किंतु यहां पर पानी से संबंधित मनोरंजन के खेलों को बंद रखना होगा। इसी तरह रेस्टोरेंट और बार का समय भी बढ़ाया गया है। रात 11 बजे तक रेस्टोरेंट में 50% क्षमता से डाइनिंग हो सकेगी। पहले केवल 10 बजे तक राहत दी गई थी। मॉल्स के रेस्टोरेंट्स को भी नए आदेश में छूट प्रदान की गई है। खुले मैदान, सार्वजनिक स्थल, साइकिलिंग को सुबह 5 से 9 तथा शाम को 5 से रात 9 बजे तक छूट दी गई है। इसी तरह निजी कार्यालय और सभी तरह के सरकारी कार्यालय अब पूरी तरह नियमित रूप से शुरू रहेंगे। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लास और अन्य शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। इन इकाइयों पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। केवल शैक्षणिक संस्थाओं में प्रशासकीय कामकाज, परीक्षा, ऑनलाइन क्लासेस, प्रैक्टिकल परीक्षा का कामकाज किया जा सकेगा। इसी तरह धार्मिक स्थलों पर पहले की तरह ही पाबंदी जारी रहेगी। 7 फेब्रुवारी नंतर पहिल्यांदा आपल्या शहरामध्ये मृत्यूचा संख्या शून्यावर आलेली आहे। म्हणजे काल आणि आज मृत्यूचं एकही व्यक्ती नाही आहे कोरोनामुळे। हे अत्यंत समाधानकारक आणि एक यशस्वी असं सांगायला हरकत नाही आहे। कारण याच्यामध्ये जे मागच्या 2.5 महिन्यामध्ये जे काही आपण मेहनत केलेले, शासनाने जाहीर केलेले निर्बंध, डॉक्टर लोकांनी घेतलेली मेहनत, परिचारिका, आपल्या महापालिकेचे कर्मचारी, सगळ्या लोकांनी केलेल्या मेहनतीला एक प्रकारचं यश मिळालेले आहे। आता आपल्याकडचं पॉझिटिव्हिटी कमी झाल्यामुळे बेडचं उपलब्धता वाढल्या कारणाने मोठ्या प्रमाणे आपण शिथिलता केलेली आहे। जे काही संयम आपण बाळगत होते आतापर्यंत, ते आता येणारी काळामध्ये सुद्धा आपण प्रत्येकाने फॉलो करणे आवश्यकता आहे। खास करून ज्या लोकांनी वॅक्सिन घेतलेली नाही, वॅक्सिनचे एलिजिबल आहे, वॅक्सिन घेतलेली नाही, त्या लोकांनी वॅक्सिन घेतला पाहिजे। आणि वॅक्सिन घेतल्या गेल्यानंतर सुद्धा जे त्रिसूत्री आहे, मास्क वापरणे, सोशल डिस्टन्सिंग पालन करणे किंवा हँड हात स्वच्छता करणे, असे प्रकारचे जे त्रिसूत्री आहे ते कायम फॉलो करणे आवश्यकता आहे। आणि शिथिलता आहे म्हणून आपण जास्त उत्साह न घेता आपण प्रत्येकाने त्याचा आपण मर्यादा आपण ठेवले, नक्की येणारी काळामध्ये सुद्धा जे कोरोनाचं जे प्रादुर्भावामधून आपण आपल्या शहराला वाचू शकतो आणि येणारी काळामध्ये आपलं शहर आणखी चांगला काम करू शकतो, आणखी जे जास्त शिथिलता देण्यामध्ये प्रशासनाला मदत होईल। धन्यवाद। कॅमेरा पर्सन राजकुमार मोड के साथ अभिषेक पानसे, BCN News नागपूर।